हेलो एवरीवन, अगर आप लोग अपनी नोज की कॉन्टोरिंग करना चाहते हैं, खास करके जिसकी पैलेट नोज होती है, जैसे कि मेरी साइड से दिखाती हूँ, यू लुक दैट, आपको सिर्फ कॉन्टोरिंग इस हड्डी पर ही करनी है, सिर्फ इस हड्डी पर और कहीं पर भी नहीं करनी है। तो मैं करके दिखाती हूँ, एक मिनट। और मैं करती हूँ इससे, किस ब्यूटी की पूरी पैलेट है मेरे पास कॉन्टोरिंग की, तो मैं इससे ही करती हूँ और मैं करके दिखाऊंगी आज आप लोगों को। सो इसमें दो चीज है, ये है स्टिक्स वाली एंड ये है क्रीम वाली। तो मैं पहले क्रीम वाली करती हूँ, फिर ये करती हूँ। पहले मैं क्रीम वाली करके दिखाती हूँ आपको। सो क्रीम वाली मैं करूंगी पहले ब्राउन शेड से अपनी लाइन ड्रॉ करूंगी दोनों साइड। सो यू लुक दैट, सिर्फ इतनी इतनी सी करनी है और बीच में आपको हाईलाइटर नहीं लगाना है, कॉन्टोरिंग ही लगानी है बीच में भी, जितनी ये लाइन ड्रॉ की हुई है ना, सिर्फ इतने में कीजिए। सो यू लुक दैट, अब हम करेंगे हाईलाइटिंग। हाईलाइटिंग हमें करनी है नो यहां से और सिर्फ यहां पर। सो यू लुक दैट, यहां पर करनी है एंड सिर्फ यहां पर करनी है। अब इसको ब्लेंड कीजिए, नीचे को ब्लेंड करना है, नीचे साइड। ब्लेंडिंग के लिए या तो ब्रश ले लीजिए आप, नहीं तो ब्यूटी ब्लेंडर ले लीजिए। तो मैं ब्लेंड कर आती हूँ। सो गाइस यू सी दिस, मैं ब्लेंड कर चुकी हूँ। अब मैं जरा लाइन ड्रॉ करती हूँ क्योंकि क्रीम में लाइन छुप जाती है। सो गाइस यू सी दिस डिफरेंस, आई डोंट नो कुछ लग भी रहा है या नहीं, बस आपको ये याद रखना है जिसकी हड्डी ऐसे हो ना मेरे जैसे, उसको कॉन्टोरिंग तो करनी है, हाईलाइटिंग बीच में नहीं करनी है, सिर्फ नाक की डिप पर एंड सिर्फ फोरहेड पर यहाँ पर करनी है, बीच में नहीं करनी है, सिर्फ ये याद रखना है। एंड इसके बाद आप इसको सेट कर लीजिए लूज पाउडर से, कॉम्पैक्ट पाउडर से। इतना ही आता था मुझसे बताना। सो एंड उसके बाद आप कोई भी ब्रोंजर लगा लीजिए, हाइलाइटर लगा लीजिए नाक की टिप पर, एंड यहाँ पर भी लगा लीजिए थोड़ी सी, एंड यहाँ पर भी। सो यू सी डिफरेंस, पता नहीं यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, वो तो आप ही लोग बता सकते हो। ज्यादा नहीं लगता, हल्की मल्की सी ही लगती है सिर्फ। सो बाय बाय गाइस, जरूर ट्राई कीजिए, बस याद रखना कि आपको हाईलाइटिंग यहाँ पर नहीं अप्लाई करनी है जिसकी मेरे जैसी नोज हो। सो बाय बाय।